मेरा है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है? अरे हम वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अरे बेटा, एक दो मिनट वेट कर लेते स्टूडेंट्स का, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 कॉस्ट बेसिक इनकम टैक्स कैलकुलेशन की कुछ एग्जांपल्स करी थी। एक कॉन्सेप्ट उसमें हमने कवर नहीं किया था, जो कि पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन और ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन का जो था इम्पैक्ट लेकर आ रहा था, ठीक है? आज हम उसकी एग्जाम्पल करते हैं, फिर ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा। हमने डिस्कस कर लिया, हमने रूल्स रिवाइज कर लिए, अब हम इसको वाइंड अप करेंगे लास्ट एग्जाम्पल से। चैप्टर नंबर 1 की लास्ट एग्जाम्पल है, जिसमें हम पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन और गिफ्ट एड डोनेशन का इम्पैक्ट लेकर आ रहे हैं, ठीक है? अच्छा, पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन क्या होता है? आपने लेक्चर में देख ही लिया होगा, एक फंड होता है जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट हो रहा है। दो किस्म के फंड्स होते हैं, एक ऑक्यूपेशनल पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है। ऑक्यूपेशनल पेंशन कंट्रीब्यूशन मतलब जहां आप कंपनी में जॉब कर रहे हो वहां पर फंड क्रिएट करते हो। पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन पर्सन मतलब क्या है, अपना खुदाती फंड क्रिएट करते हो, कंपनी के थ्रू नहीं कहीं बाहर। तो HMRC ऐसे फंड को रिलीफ देती है। क्या रिलीफ देती है, हम चेक करते हैं। सबसे पहले टोटल इनकम का एक कॉलम बन जाएगा, फिर एक कॉलम बन जाएगा नॉन सेविंग का, एक कॉलम बन जाएगा और एक सेविंग का कॉलम बन जाएगा, ठीक है? सेविंग के कॉलम की शायद नीड नहीं है, क्योंकि मैं मुझे ना सेविंग नॉन सेविंग की दोनों एड्स बनते हैं मेरे पास, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट इनकम आ गई मेरे पास, ट्रेडिंग इनकम आ गई, ठीक है?
टोटल में तो फॉर श्योर हमें दोनों लिखनी होती हैं, उसकी बाइफरकेशन की नीड नहीं है, टोटल में तो सारी सोर्सेज ऑफ इनकम आती ही आती हैं। ये दोनों नॉन सेविंग का पार्ट है तो मैंने नॉन सेविंग कर दिया, ठीक है। मेरे पास टोटल एम्प्लॉयमेंट इनकम, टोटल इनकम आती है, टोटल इनकम, ठीक है, सारी सोर्सेज से मेरे पास मेरी टोटल इनकम 1,20,000 बनती है, सही है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं पर्सनल अलाउंस की कैलकुलेशन करूंगा। क्यों पर्सनल अलाउंस की कैलकुलेशन करूंगा बेटा? पर्सनल अलाउंस की कैलकुलेशन मुझे इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी एडजस्टेड नेट इनकम जो है मुझे चेक करनी होगी कि वो 1 लाख से कम है या 1 लाख है। अगर 1 लाख या 1 लाख से कम होगी तो पर्सनल अलाउंस 12,570 होगा। अगर 1,25,140 या उससे ज्यादा होगी तो मेरा पर्सनल अलाउंस 0 होगा। बिटवीन होगी तो कैलकुलेशन करना होगा। तो अनुषा बेटा, हमें एडजस्टेड नेट इनकम सबसे पहले कैलकुलेट करनी है। एडजस्टेड नेट इनकम कैसे कैलकुलेट होती है बेटा? फॉर्मेट था इसका। क्या फॉर्मेट था? सबसे पहले लिखोगे टोटल इनकम। बेटा टोटल इनकम आपकी है 1,20,000। ठीक है बेटा, उसमें से आप पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन और गिफ्ट एड डोनेशन लेस कराओगे ग्रॉस। सर यहाँ लिखा हुआ कुछ नहीं है, आपको कैसे पता चला ग्रॉस करना है? जब कुछ लिखा हुआ नहीं हो तो हम एज्यूम करते हैं वो नेट है, तो हम ऑलरेडी उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से? इस अमाउंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100/80 के फैक्टर से। इसी तरीके से गिफ्ट एड डोनेशन को 100/80। अच्छा, जरूरी नहीं है कि दोनों गिवेन हो, कोई एक भी गिवेन हो सकता है और दोनों भी गिवेन हो सकते हैं। हमने क्या डिसाइड किया था? हम करेंगे लेस। जब हमने लेस किया तो मेरे पास ये एडजस्टेड नेट इनकम आ रही है 1,03,750, जो कि बिटवीन के उसमें फॉल करती है। तो यहां पर अब मुझे पर्सनल अलाउंस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। किस तरीके से कैलकुलेट होगा? फॉर्मूला कल जनरेट किया था हमने, फॉर्मूला हमने कुछ इस तरीके से जनरेट किया था, 1,27,5 12,570 माइनस ब्रैकेट ओपन ANI, जो के ऊपर हमारे पास आंसर में लिखी हुई है 103, 1,03,750 माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 2। ऐसा ही है जी बेटा, पर्सनल अलाउंस ऐसा ही है। आज बच्चे काम आए इसलिए मैं रेगुलर क्लास नहीं रखता, आपने रीजन देख ली। मेरा मसला नहीं है क्लास रखने का, आप लोग आते नहीं है। कल ही सबने बोला था हम आएंगे हम आएंगे, अब देखो कल 9 बजे थे आए नहीं। ऐसे ही होता है भाई, आज 5 है, अगली क्लास में 2 होंगे, एंड में मैं अकेला बैठ के पढ़ा रहा हूँ अपने आप। टैक्सेबल इनकम आ गया बेटा। अनुषा यहाँ तक समझ आया? नीरज, नीरज ने शायद जवाब दे दिया है। शायद सुभाष, एक और बच्चे ने। जी बेटा यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक किसी को क्लियरिटी नहीं है तो बता दें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। अच्छा, पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन और गिफ्टेड डोनेशन एक तो PA की वर्किंग में काम आता है, दूसरा ये बैंड भी एक्सटेंड करता है ग्रॉस अमाउंट से। अब आपका नया बैंड क्या होगा? यार ये मुझे नीचे क्यों ले जाता है, क्या मसला है इसके साथ? नम लॉक बंद किया। अच्छा तो 37,000, 37,700 ये तुम्हारा नॉर्मल बैंड है,
ग्रॉस अमाउंट से तुम्हें अपने बैंड को इंक्रीज करना है, मतलब इससे इससे ये तुम्हारा अब एक नया बैंड बन गया है, ठीक है? ठीक है, अच्छा जी, आगे जो नया वाला बैंड है उसको भी चेंज करना होगा, ठीक है? अब ये मेरे नए बैंड है, इसके लिहाज से मुझे ये मेरा बेसिक रेट टैक्स बेसिक बैंड है, ये मेरा हायर बैंड है। देखो इस बैंड एक्सटेंशन से आपका स्टेटस भी चेंज हो सकता है, क्योंकि पहले तुम देखते थे अगर तुम्हारी टैक्सेबल इनकम 37,700 से कम है तो तुम बेसिक रेट टैक्स पेयर हो, बट अब तुमने देखना अगर तुम्हारा 53,950 से कम है तो तुम बेसिक रेट टैक्स पेयर हो, ठीक है? खैर यहाँ पर 53,950 पर मुझे 20% टैक्स करना होगा, ठीक है बेटा? फिर रिमेनिंग कितना रह गया, उस पर मुझे 40% टैक्स पे करना होगा। ये मेरी टैक्स लायबिलिटी है, ये मेरी टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है बेटा? अच्छा, जिसने भी जवाब दिया था उसने गलत दिया था, चेक कर लें कि क्या गलती है। सही बेटा, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी है। अब एग्जामिनर पूछता है टैक्स रिलीफ कितने पे मिली थी, फिर आप कैलकुलेट करो टैक्स रिलीफ। टैक्स रिलीफ मिली है मुझे पीपीसी और गिफ्ट एड डोनेशन की वजह से, ठीक है? बहुत सिंपल तरीका है, दोनों के ग्रॉस अमाउंट को ऐड करो। देखो इतने से बैंड एक्सटेंड हुआ है ना, दोनों से इतने अमाउंट से बैंड एक्सटेंड हुआ है, जो इनकम 16,250 जो के टैक्स होती 40% पर, अब वो 20% पे टैक्स हो रही, इसका मतलब रिलीफ कितना मिल रहा है, 20% मिल रहा है, यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बैंड बढ़ने की वजह से, बैंड कितना बढ़ा, 16,250, तो जो इनकम 16,250 40% पर टैक्स होती, अब वो कितने परसेंट पे टैक्स हो रही, 20% पे टैक्स हो रही है। सही है, तो जब 20% पे टैक्स हो रही है तो 20% सेव भी तो हो रहा है, ठीक है बेटा? बेटा अनुषा, नीरज, शाहिद, सुभाष जी, बेटा कोई सवाल? कोई सवाल बेटा पूछ लें, आगे चल सकता हूं जी? बेटा प्लीज अपना इनपुट दीजिए। अनुषा, नीरज, शाहिद, सुभाष, अनुषा और क्लियर? प्लीज आप लोग जवाब दे दिया करें ताकि फिर मैं आगे चलूं। क्लैरिटी है? क्लैरिटी गाइस, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज क्लियर है आपको? ठीक है, प्लीज जवाब देते रहा करें, मुझे महसूस होगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, वरना मुझे लगता है मैं खुद पढ़ रहा हूँ। चले, दैट्स द एंड ऑफ द बेसिक इनकम टैक्स कंपटीशन, जिसमें हमने हायर रेट टैक्स पेयर देखा, हमने एडिशनल रेट टैक्स पेयर देखा, हमने बेसिक रेट टैक्स पेयर देखा, हमने इंटरेस्ट के रूल देखे कि बेसिक रेट होगा तो 1,000 लगेगा, हायर होगा तो 500 पर लगेगा, फिर हमने डिविडेंड का रूल देखा, डिविडेंड के पहले 1,000 पर 0% है, बाकी कोई भी स्टेटस होगा टैक्स पेयर का उस पर नॉर्मल टैक्स लगेगा, हमने वो 5,000 वाला बैंड देखा कि अगर आपकी नॉन सेव इनकम लेस देन 5,000 होगी तो किस तरीके से बैंड ओपन होगा, वो बैंड किसके लिए ओपन होगा,
वो बैंड पहले यूज होगा, फिर वो 1,000 व या 500 वाला रूल अप्लाई होगा, ठीक है बेटा। और हमने फिर पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन, गिफ्ट एड, डोनेशन, हमने देखा किस तरीके से ANI कैलकुलेट होती है, किस तरीके से वो बैंड एक्सटेंशन करता है। पर्सनल अलाउंस हमने देखा कि 12,570 होता है, कभी कभी जीरो भी होता है, कभी 12,570 और जीरो के दरमियान होता है। तो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 1, दैट इज बेसिक इनकम टैक्स कैलकुलेशन, जिसपे हमने काफी ज्यादा बात कर ली है और काफी प्रैक्टिस भी कर ली है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2, जो कि पोर्टल पर भी चैप्टर नंबर 2 है। सर मैरिज अलाउंस हस्बैंड वाइफ को ट्रांसफर कर सकता है? हाँ, ये बता देता हूँ, एक चीज और बता देता हूँ, मैरिज अलाउंस बेटा मैरिज अलाउंस, मैरिज अलाउंस क्या होता है, गौर से सुननी है ये बात, समझनी है ये बात। लेट सपोज हस्बैंड है और वाइफ है, सबसे पहले तो मैरिज अलाउंस के लिए लाजमी है, मैरिज अलाउंस के लिए लाजमी है कि दोनों बेसिक रेट टैक्स पेयर हो। बोथ मस्ट बी बेसिक रेट टैक्स पेयर, ठीक है, सही है। एज्यूम दैट वाइफ इज ट्रांसफरिंग हर पर्सनल अलाउंस टू हर हस्बैंड। हम एज्यूम करते हैं अभी, क्योंकि एग्जाम्पल ले रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसकी टोटल इनकम, हस्बैंड की टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम एज्यूम करते हैं हमें 30,000, सही है। वाइफ की टोटल इनकम, चलो इसको 35 कर लेते हैं, वाइफ की टोटल इनकम है 20,000, ठीक है। अब गौर से सुनना है, बहुत गौर से सुननी है मेरी बात। वाइफ ट्रांसफर कर रही है पर्सनल अलाउंस, नीरज, वाइफ ट्रांसफर कर रही है पर्सनल अलाउंस किसको? हस्बैंड को। तो जिसको ट्रांसफर कर रहे हो पहले उसकी कैलकुलेशन कर लो, इसको ट्रांसफर कर रहे हो इसकी बाद में करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफर कर रही है वो, सही है, जिसको ट्रांसफर कर रहे हो पहले उसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लो। नॉर्मल तरीके से होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसका। पर्सनल अलाउंस 12,570 जैसे होता है वैसे ही होगा, ठीक है। बच्चा कहता है कि सर वो इसके पर्सनल अलाउंस में ऐड नहीं होगा, वाइफ का पर्सनल अलाउंस नहीं, ऐड नहीं होता, पर्सनल अलाउंस ऐड नहीं होगा, वाइफ ने ट्रांसफर किया पर्सनल अलाउंस। आप बोलो वो ट्रांसफर किया हुआ पर्सनल अलाउंस क्या इसके पर्सनल अलाउंस में ऐड कर दें? नहीं, पर्सनल अलाउंस कैन नेवर एवर बी मोर देन 12,570। अगर ऐड कर दोगे तो ये तो 12,570 से ज्यादा हो जाने वाला है, ज्यादा हो ही नहीं सकता, कम हो सकता है, कम हो सकता है। वो एग्जाम्पल देखी है तुमने, ये आ गई टैक्सेबल इनकम, क्योंकि ये बेसिक रेट टैक्स पेयर है, तुमने टक करके लगाना है 20%, 20% तुमने लगाया, तुम्हारे पास टैक्स लायबिलिटी आ गई। क्या आ गई? टैक्स लायबिलिटी। सर वो ट्रांसफर अब लिखोगे आप मैरिज अलाउंस। हाँ भाई, कितना है मैरिज अलाउंस बताओ बेटा, मैरिज अलाउंस कितना है? यस दैट इज, ये इस तरीके से लेस होगा, 252, ये फिक्स्ड अमाउंट बेटा, ये फिक्स्ड अमाउंट बेटा, ये फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है, ये फिक्स्ड अमाउंट, ये आपका आ गया टैक्स पेबल। अब ये कैसे आता है, सुन लो, ये कैसे आता है, ये अमाउंट आती कैसे, ये तुम्हारा वैसे कोई कंसर्न नहीं है, बट आती कैसे सुन लो। 12,570 का लेते हो तुम 10%, ठीक है, और उसका भी लेते हो तुम 20%, ठीक है, समझ आई बात, ठीक है बेटा। ये इस तरीके से बनता है, ये इस तरीके, ये फिर राउंड अप कर रहा है, 252 लेकर आ रहा है, सही है। तुम्हें ये याद नहीं रखना है किस तरीके से आता है, बस ये अमाउंट याद रख लो। क्लियर हो गई बात बेटा? क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब वाइफ की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब उसका पर्सनल अलाउंस जरा गौर से देखना किस तरीके से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड थिंग, ठीक है बेटा। नॉर्मल पर्सनल अलाउंस कितना होता है? 12,570 ट्रांसफर तुम कितना करते हो?
ट्रांसफर कैसे पता चलेगा? वो होता है 12,570 का तुम ट्रांसफर करते हो 10%। सही है बेटा, यहां पे रिमेनिंग पर्सनल अलाउंस तुम्हें मिल जाएगा। क्लियर हुई बेटा बात? क्लियर हुई बेटा बात? क्लियर हुई? ठीक है, तो ये आपका आ गया टैक्सेबल इनकम। आपने इस पे लगाना है 20% रेट। ये आपकी आ गई इनकम टैक्स, इनकम टैक्स लायबिलिटी। ठीक है बेटा, कोई सवाल, कोई कौन ऐसी चीज जो समझ नहीं आ रही हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी अनुषा, नीरज, सुभाष, आहिस्ता आहिस्ता मैंने क्या कहा था, कम होते रहेंगे बच्चे, टेंशन नहीं लें। आखिर में मैं और नीरज बच जाएंगे, या मैं और सुभाष बच जाएंगे, या तो मैं और अनुषा बच जाएंगे, और बुरी सिचुएशन हो जाएगा फिर मैं और मेरे साथ मैं ही बच जाऊंगा। फिर सब सर कहते, सर सारे ऑनर कहते हैं आप लाइव क्लास क्यों नहीं लेते हो? जी कोई सवाल? मैं हर बच्चे को क्या पर्सनल लिंक दूं, क्या मकसद है? ग्रुप में दे तो रहा हूं बेटा। अरे यार, ये इस वाले ग्रुप में क्यों है लोग? इकरा बेटा, ये आप इस वाले ग्रुप में ना रहो, हमजा से बोलो मुझे पेड वाले ग्रुप में ऐड करे ना। पेड वाले बच्चों को दूंगा ना मैं लिंक, वहां तो पूरी दुनिया के बच्चे बैठे हुए, सब आ जाएंगे। चलें, ज्यादा कुछ मिस नहीं करा इकरा आपने, एक सवाल किया था और एक मैरिज अलाउंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जी बेटा, किसी को कोई सवाल है? नहीं है तो आगे चलते हैं। अब हम क्या अपना प्रॉपर्टी इनकम की रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं? मैं रूल्स रिवाइज कराऊंगा बेटा, मेक श्योर मैं रूल्स रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है? मैंने आज प्लानर शेयर किया है, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने उसको देख के बंद किया होगा, सिर्फ देखा होगा और बोला होगा बंद कर दो तो बंद कर दिया होगा, ठीक है? उसमें प्लानर में लाइव क्लासेस में क्या पढ़ाऊंगा, किस तारीख को होगी, वो सब लिखा हुआ है, ठीक है? चलो प्रॉपर्टी इनकम स्टार्ट करते हैं, जल्दी से क्विक रिवाइज करेंगे ताकि आप जब लाइव वीडियो वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो आपकी कनेक्टिविटी पैदा हो जाए, सही है? अच्छा, सबसे पहले तो याद रख लेना प्रॉपर्टी इनकम कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करती है, ठीक है? अगर रेंट आए, रेंट आए कहाँ कहाँ से? या तो लैंड से आए, या तो रेंट आए बिल्डिंग से, ठीक है? रेंट प्रॉपर्टी इनकम में कौन सी चीज शामिल होती है? रेंट, बट रेंट कौन सा वाला? लैंड और बिल्डिंग वाला। यस यस, ये आपका प्रॉपर्टी इनकम कहलाती है। आपने बोला सर मेरे पास मोबाइल है, क्या वो मेरी प्रॉपर्टी है? मैंने कहा हाँ है वो तुम्हारी प्रॉपर्टी, नो डाउट अबाउट इट। सर वो मैंने रेंट पर दे दिया किसी को, सर उससे रेंट कहाँ से आया? रेंट कहाँ से आ रहा है बेटा आपके पास? रेंट आ रहा है मेरे पास सर मोबाइल, मोबाइल को मैंने रेंट पर दे दिया, तो क्या सर वो मेरी प्रॉपर्टी इनकम का पार्ट बनेगा? नो।
सर मेरे पास गधा गाड़ी थी, मैंने गधा गाड़ी रेंट पर दे दी, तो क्या वो मेरी प्रॉपर्टी इनकम का पार्ट बनेगी? डोंकी कार, क्या कहते हैं गधा गाड़ी की इंग्लिश क्या होती है? डोंकी कार, पता नहीं जो भी होती है। नो, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी इनकम इन दोनों का कोई बोलेंगे डोंकी कार। थैंक यू भाई, ये मेरी नॉलेज में इजाफा करने के लिए। डोंकी कार्ट सही है। प्रॉपर्टी इनकम में सिर्फ और सिर्फ लैंड और बिल्डिंग से आने वाली रेंटल इनकम प्रॉपर्टी इनकम का पार्ट कहलाती है। अब बेटा आपको लेक्चर रिवाइज करवा रहा हूं। प्रॉपर्टी की कुछ टाइप्स हैं, प्रॉपर्टी की कुछ टाइप्स हैं। सर प्रॉपर्टी की टाइप्स क्यों पढ़ा रहे हो हमें? बेटा टाइप पर डिपेंड करेगा कि उसका पीएनएल कैसे बनेगा। जिस टाइप की प्रॉपर्टी होगी उस टाइप का पीएनएल बनाना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहले तो टाइप डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके पीएनएल देख लेंगे। पहली टाइप होती है अनफर्निश्ड प्रॉपर्टी, दूसरी टाइप होती है फर्निश्ड प्रॉपर्टी, तीसरी टाइप होती है फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग प्रॉपर्टी, चौथी टाइप होती है रेंट अ रूम रिलीफ। ठीक है बेटा, अब फर्निश प्रॉपर्टी क्या होती है? विच हैज ओनली बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, मींस चार दीवारें होंगी, छत होगी, खिड़की होगी, बाथरूम नॉर्मल सा बना हुआ होगा, तुम्हें अपना सामान खुद लेकर आना होगा, उसमें रहने के लिए, मतलब नॉट रेडी टू लिव, नॉट रेडी टू यूज। कब यूज करने के काबिल होगी? जब तुम उसमें सामान डालोगे, बस तुम्हें चाबी दे देंगे, मेन गेट लगा हुआ होगा, बहुत बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, वायरिंग वगैरह हुई भी होगी। ठीक है, फर्निश्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? विच हैज ऑल लग्जरी आइटम्स रेडी टू लिव। ये वाली प्रॉपर्टी, सॉरी लाइफ लिख रहा हूं, लिव होना चाहिए भाई, मैं आपके इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, खुद इंग्लिश ठीक कर लीजिएगा। अच्छा, रेडी टू यूज, रेडी टू यूज, ठीक है, मतलब इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें चाबी मिलेगी और तुम्हें बस अंदर घुसना है। अच्छा वाला बेड, तो एसी, तो टीवी, तो केबल, तो नेट, तो बाथरूम भी जबरदस्त जगूजी वाला, ठीक है, पानी पीने का फ्रिज, फिल्टर, जो बेसिक से ज्यादा ऊपर चीजें हो सकती हैं, बस आपको आना है और रहना स्टार्ट करना है। अलमारियां वलमारियां सब बनी हुई होंगी, ठीक है, कपड़े नहीं होंगे उसके अंदर, अलमारी बनी हुई होगी, सही है। अच्छा, फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग, ये समझो ये भी रेडी टू यूज होता है, बट इसमें क्या होता है, ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी बिकम्स योर सर्वेंट। सर समझा नहीं, खामोशियां फिल्म देखी है किसी ने? किस किसने खामोशियां फिल्म देखी है? किसकी, किसी ने देखी है फिल्म, इंडियन फिल्म खामोशियां देखी? देखी है ना? हाँ शाहिद ने देखी, और किसी ने देखी है? नहीं। क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग, फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग क्या होती है कि एक बहुत बड़ा सा घर होता है, उस घर में मालिक अकेला रह रहा होता है, तो वो सोचता है कि इसको लेट कर दे, लेट मतलब क्या, किराए पे चढ़ा दे उन लोगों के लिए जो हॉलीडे स्पेंड करने आते हैं, उन लोगों के लिए जो, हाँ एयरबीएनबी, यही वाली बात, उन लोगों को के लिए जो के कुछ दिनों के लिए आते, परमानेंट नहीं आते, लाइक घूमने आते, हनीमून के लिए आते हैं, एक्सप्लोर करने आते हैं, ठीक है, तो उनको वो कहता है कि आप अपनी हॉलीडेज इस स्पेंड करो और हमारा घर यूज करो, और आपको कोई भी चीज चाहिए हो, खाना पीना, लॉन्ड्री, टीवी,
टीवी केबल वी विल प्रोवाइड यू, खाना चाहिए हम आपको खाना दे देंगे, मतलब ऑनर इज सर्विंग एज अ सर्वेंट, ठीक है, एज अ मैनेजर, एज अ मैनेजमेंट, ही इज बेसिकली द ऑनर, राइट। इन्होंने अनुषा ने इसकी रियल टर्म बताई है, दैट इज कॉल्ड एयर बीएनबी, सही है। अपने पास नोट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में ये वर्ड यूज कर सकते हैं। अच्छा, रेंट अ रूम रिलीफ, इसमें क्या होता है, ओनली वन रूम इज प्रोवाइडेड फॉर रेंट। कल कभी खुशी कभी गम फिल्म देखी, कभी खुशी कभी गम फिल्म तो देखी होगी यार, ये तो देखी होगी, ये सबने देखी, अगर ये किसी ने नहीं देखी तो आपका बचपन ही है। खैर, आप लोगों का टाइम पता नहीं कहाँ स्पेंड हो रहा है। उसमें क्या होता है, शाहरुख खान अपने ही भाई को अपने ही 10 कमरों के घर में एक रूम रेंट पर दे देता है, ठीक है, एक रूम रेंट पर दे देता है, सही है। तो ये टाइप्स ऑफ दी प्रॉपर्टी है। अब हम सिर्फ पहले हर प्रॉपर्टी का पीएनएल बनाएंगे, सबसे पहले हम अनफर्निश्ड का पीएनएल बनाएंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉपर्टी इनकम चाहिए, पहले अनफर्निश्ड का पीएनएल देखते हैं। बहुत नॉर्मल सा इसका पीएनएल होता है, सबसे पहले इसमें तुम्हारे पास रेंटल इनकम आती है, रेंट, सही है, रेंट आपका टैक्स ईयर के लिहाज से आना चाहिए, ठीक है, जितने महीने आपके टैक्स ईयर में फॉल कर रहे उतने महीने का आप रेंट लिख देना, फिर आप उसमें से लेस कराते हो कुछ एक्सपेंसेस, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, के तुमने किराए पे चढ़ाने के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट करवाई थी, कोई मार्केटिंग करवाई थी, सही है, कमीशन टू एजेंट, कमीशन दिया हुआ एजेंट को, कमीशन टू एजेंट, ठीक है, या फीस टू एजेंट, सही है, ये लेस करा सकते हो, ठीक है, वाटर टैक्स करा सकते हो लेस, ठीक है, काउंसिल टैक्स, अक्सर प्रैक्टिकल लाइफ में भी नए बच्चे जब मेरे पास बुक कीपिंग करने आते हैं, मैं यूके बेस्ड कंपनी में काम करता हूँ, तो वो पूछते हैं ये सर काउंसिल टैक्स क्या होता है। बेटा, काउंसिल टैक्स का मतलब ये होता है कि जब आप किसी प्रॉपर्टी में रहते हो तो वहां पर काउंसिल टैक्स देते हो, काउंसिल टैक्स मतलब ये होता है वो टैक्स जो प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द सफाई रखने के चार्जेस होते हैं गवर्नमेंट आपसे लेती है, स्ट्रीट लैंप हो गई, गार्डन की सफाई हो गई, रोडों की सफाई हो गई, दैट इज कॉल्ड काउंसिल टैक्स, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप बैड डेट एक्सपेंस लेस करा सकते हो, बैड डेट एक्सपेंस लेस करा सकते हो। बेटा, बैड डेट एक्सपेंस तभी लेस कराओगे, दो कंडीशंस लाजमी है बैड डेट एक्सपेंस के लिए, ठीक है, बैड डेट एक्सपेंस लेस कराने के लिए दो कंडीशंस लाजमी है, दोनों में से कोई एक भी फुलफिल हो जाए। नंबर वन, टेनेंट प्रॉपर्टी, टेनेंट हैज लेफ्ट द प्रॉपर्टी एंड एजेंसी हैज इंफॉर्म्ड दैट रेंट कैन नॉट बी रिकवर्ड, ठीक है, ये वो वाली एजेंसी नहीं है जो लोगों को उठा लेती है, ये वो वाली एजेंसी है एस्टेट एजेंट वालों ने कह दिया कि भाई टेनेंट रातों रात अपना बोरिया बिस्तर पैक करके रफा चक्कर हो गया, अब हम इसको भी नहीं ढूंढ सकते, इसने अपना कोई रास्ता एड्रेस नहीं दिया है, तो कंफर्म बैड डेट्स है, ठीक है। या तो दूसरा, टेनेंट वर्सेस लैंडलॉर्ड, मींस टेनेंट और लैंडलॉर्ड के दरमियान केस चल रहा है कोर्ट पे, इसमें भी अज्यूम करते हैं कि बैड डेट्स हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर लिखा हुआ है सवाल में कि टेनेंट ने पैसे नहीं दिए, इसका मतलब ये नहीं कि बैड डेट्स हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि बैड डेट्स हो गया, दे देगा, नहीं दिए तो दे देगा, क्या मसला है, ठीक है। इसी तरीके से तो और क्या लेस करा सकते हो, ठीक है, ये कुछ एक्सपेंसेस है जो कि तुम लेस करा सकते हो। इंटरेस्ट का बताऊंगा अभी, बेटा अभी इंटरेस्ट का बताऊंगा, ठीक है, इंटरेस्ट को भी सेपरेट रखते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट का भी बताता हूँ, शायद उसको मैं सेपरेट रखना चाहता हूँ, चलो अभी इंटरेस्ट लिख देता हूँ,
फाइनेंस कॉस्ट, बट अभी उसका रूल नहीं बता रहा, लिख रहा हूं पीएनएल में, सही है। जब तुम ये सब लेस करा दोगे फर्निश्ड प्रॉपर्टी के पीएनएल में, फाइनली तुम्हारे पास आ जाएगा प्रॉपर्टी इनकम, ठीक है, जो तुम अपने फॉर्मेट पे ले जाओगे, सही है बेटा। अब हम बनाएंगे इसी तरीके से फर्निश्ड का, फर्निश्ड प्रॉपर्टी। बेटा कोई सवाल अब तक? बेटा कोई सवाल अब तक? कोई सवाल? अच्छा, आई होप मैं तेज नहीं जा रहा। अनुषा, इकरा, शाहिद, सुभाष, ठीक है बेटा। देखो बेटा, इसका भी जो पीएनएल बनेगा ना, सेम ऐसा ही बनेगा, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, सेम इसका भी पीएनएल बनेगा। सिर्फ एक चीज की एडिशन करूंगा, यहाँ रिप्लेसमेंट अलाउंस मिलेगा। रिप्लेसमेंट अलाउंस मतलब क्या होता है? सुनो, ये वाली बात अहम है, सुनो सुनो, बस 10 मिनट। रिप्लेसमेंट अलाउंस में क्या है, गौर से सुनना है। मेरे पास 5 सीटर सोफा था जो कि मैंने 10,000 पाउंड का खरीदा, ठीक है। मैंने सोचा इस सोफे को मैं रिप्लेस कर दूं, ठीक है, इसकी कॉस्ट कितनी थी? 10,000। मैंने सोचा मैं इस सोफे को रिप्लेस कर दूं, रिप्लेस करने गया तो मैंने इसको बेचा, उसकी डीपी आई, लेट सपोज, चलो डीपी आई मेरे ख्याल से मेरे 15,000 एज्यूम करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब मैं रिप्लेस करने गया, रिप्लेस मतलब होता है इसी किस्म का 5 सीटर सोफा, सेम ब्रांड सेम कलर नो चेंज, वो मुझे मार्केट में मिल रहा है 20,000 का, ठीक है। वो मुझे मार्केट में क्या मिल रहा है? 20,000 का न्यू न्यू सोफा कॉस्ट, ठीक है, क्लियर हो गई बात। मुझे कितने का मिल रहा है बेटा? 20,000 का मुझे मिल रहा है। इस वाली कॉस्ट का तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, ये तुम्हारी नहीं, टोटली इररेलेवेंट कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा, अब तुमने भले ये सोफा खरीदा है या नहीं खरीदा, तुम्हें अगर सवाल में ये लिखा हुआ है खरीदा है तो भी सही है। अगर ये लिखा हुआ, सिर्फ इसकी प्राइस दे दी है, न्यू सोफा की प्राइस दे दी है और कुछ नहीं बोला, तब भी रिप्लेसमेंट अलाउंस तुम्हें कितने का मिलेगा? 5,000 का मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? देखो, एग्जामिनर ये कहता है कि 5 सीटर सोफा आपने रिप्लेस कर लिया, बाय कर लिया 20,000 का, तो आप बोलोगे ठीक है, रिप्लेसमेंट अलाउंस 5,000 का बन गया, ठीक है। अब वो एग्जामिनर कहता है कि भाई इसी टाइप का सोफा मार्केट से अगर खरीदने जाते तो 20,000 का होता। एक्चुअली आपने खरीदा नहीं है, बट यू कैन फाइंड आउट द रिप्लेसमेंट अलाउंस, ठीक है बेटा, अमाउंट क्लियर हो गई। सर अगर ऐसा हो कि मैंने वॉशिंग मशीन बेची है और मैंने वॉशिंग मशीन प्लस ड्रायर लिया है, तो क्या रिप्लेसमेंट अलाउंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। मगर अगर सवाल में ये लिख दिया इसी टाइप की वॉशिंग मशीन खरीदते तो इतने की होती रिप्लेसमेंट अलाउंस, उस पर मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल देता हूं, वॉशिंग मशीन ओल्ड थी जो कि मैंने रिप्लेस करी, जिसपे मुझे पैसे मिले, लेट सपोज 8,000। वॉशिंग मशीन प्लस ड्रायर, उसकी मार्केट वैल्यू थी 15,000। सर मुझे क्या रिप्लेसमेंट अलाउंस 8-7 हजार मिलेगा? नहीं। एग्जाम में लिखा हुआ है इसी टाइप की वॉशिंग मशीन सेम मॉडल तुम्हें मिलेगा 10,000 का। एक्चुअल में तुमने लिया क्या? वॉशिंग मशीन एंड ड्रायर। तुम्हें रिप्लेसमेंट अलाउंस इस पे नहीं मिलेगा, तुम्हें इस पे मिलेगा रिप्लेसमेंट अलाउंस, 2,000 इज योर रिप्लेसमेंट अलाउंस। बेटा बात समझ आई? बेटा बात समझ आई? जी बेटा, बेटा बात समझ आई? अनुषा, इकरा, नीरज, शायद, अनुषा, बेटा बात समझ आई? ठीक है, ओके। तो ये रिप्लेसमेंट अलाउंस एक नई चीज है, बाकी आपका फिर प्रॉपर्टी इनकम वैसे ही आ जाएगा इसके थ्रू, सही है बेटा। फिर
क्लियर हो गई बात। अब हम बनाएंगे फर्निश्ड हॉलिडे लेटिंग। रिमेम्बर, इस चैप्टर को खत्म करने के फौरन बाद इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, रट्टा लगा लेना, आ जाती हैं पेपर में, फ्लैट 3 लिखना, खत्म करना मार्क्स, बस रट्टा लगाना है इसका। कुछ चीजों का रट्टा लगा लो दुनिया में, समझ बाद में लेना उसको मुझसे, रट्टा लगा लेना। कंडीशन, ये रट्टा लगानी है, इस चैप्टर का थ्योरी है ये, बस इस चैप्टर की थ्योरी है, ठीक है। सेम सेम चीज मिलेगी, सेम चीज मिलेगी, इसमें रिप्लेसमेंट अलाउंस नहीं मिलता, इसमें आपको मिलता है कैपिटल अलाउंस। कैपिटल अलाउंस का पूरा चैप्टर है, वो वहां समझाऊंगा क्या होता है। बस समझ लो कि जो तुमने एसेट खरीदा वो 100% यहाँ पर एज अ एक्सपेंस लेस हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या बोला था, ये 5 5 सीटर सोफा सेट जो है आपके लिए इररेलेवेंट है, इस केस में ये इररेलेवेंट नहीं होगा, रेलेवेंट होगा, 10,000 पूरा लेस हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आई बात? बेटा बात समझ आई? ठीक है, इसको रिप्लेसमेंट अलाउंस नहीं मिलता, इसका पूरा 10 10 10,000 जितने का भी एसेट खरीदा है वो तुम बस लेस करवा देना। क्लियर हो गई बात बेटा? कोई सवाल, कोई मसले मसाइल? ठीक है बेटा। अच्छा आखिरी, रेंट अ रूम, रेंट अ रूम सिंपल है, इसका रेंट आएगा, ठीक है। अच्छा लेस करोगे दो चीजें, ठीक है, या तो अदर एक्सपेंसेस लेस कर दोगे, सवाल में गिवन होंगे, या तो तुम्हें लेस करना होगा, या तो तुम्हें लेस करना होगा कस्टमर। सर अगर एसेट की स्क्रैप वैल्यू हो तो फिर वो पूरी कॉस्ट डिडक्ट करेंगे। हाँ पूरी कॉस्ट डिडक्ट करेंगे, स्क्रैप वैल्यू के एचएमआरसी नहीं मानता, क्योंकि वो एस्टिमेटेड चीज होती है, एचएमआरसी किसी भी एस्टिमेटेड चीज को नहीं मानता। या तो आप रेंट अ रूम रिलीफ लेस करोगे, ठीक है, या तो आप रेंट अ रूम रिलीफ लेस करोगे। जी कितनी है रेंट अ रूम रिलीफ? 7,500। अच्छा एक ही चीज लेस करा सकते हो अनुषा, एक ही चीज लेस करा सकते हो, विच एवर इज हायर, एक ही चीज लेस कराओगे, विच एवर इज हायर, ठीक है। अगर सवाल में लेट सपोज एक्सपेंसेस दिए 5,000, तो तुम रेंट अ रूम रिलीफ लेस कराओगे, ठीक है। अगर दिए हुए हैं 8,000, तो तुम रेंट अ रूम रिलीफ लेस नहीं कराओगे, तुम अदर एक्सपेंसेस लेस कराओगे। अब गौर से सुनिए मेरी बात, टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ बेटा, टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ। लेट सपोज 12,000 है ये, लेट सपोज 6,000 है रेंट, ठीक है, तुम्हें लॉस आ जाएगा प्रॉपर्टी पे, लॉस आ जाएगा कितने का, 2,000 का। तुम यहाँ 2,000 का लॉस कैलकुलेट कर दोगे और बोलोगे प्रॉपर्टी लॉस, ठीक है। ये केस वन है, केस वन। केस टू समझना बेटा, बहुत गौर से सुननी है मेरी बात, ठीक है। रेंट है आपका 6,000, अदर एक्सपेंसेस हैं आपके 5,000, तो आप क्या लेस कराओगे, रेंट आ रूम रिलीफ 7,500। आपने बोला सर लॉस आ गया कितने का, 1,500। मेरी बात गौर से सुनना है बेटा, रिलीफ कभी भी आंसर आपका लॉस पे नहीं लेकर आ सकती, आप यहां मैक्सिमम रिलीफ 6,000 ही लेस करा सकते हो। मेरी बात समझ आई? एक्सपेंसेस आपका आंसर लॉस में लेके आ सकते हैं, बट रिलीफ आपका आंसर नेगेटिव में नहीं लेकर आ सकती एट एनी कॉस्ट। समझ आई बेटा बात? बेटा बात समझ आई? अनुषा, इकरा, नीरज, शाहिद, सुभाष, बेटा बात समझ आई? क्लियर है? मतलब सर एचएमआरसी में पैसा नहीं देगा? हाँ एचएमआरसी मतलब लॉस नहीं क्रिएट, देखो किसी भी किस्म की रिलीफ लॉस नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है, कोई भी रिलीफ हो। सही है बेटा, जैसे अदर एक्सपेंसेस हमने हायर ऑफ सेलेक्ट कर लिए और रेंट आपका कम था, अदर एक्सपेंसेस अगर लेस करा रहे हो तो प्रॉपर्टी में लॉस आ सकता है,
अगर रेंट अ रूम रिलीफ हायर ऑफ है तो रेंट अ रूम रिलीफ लेस कराने के बाद अगर आपका आंसर लॉस में आ रहा है तो आपको अपनी रिलीफ को एडजस्ट करना होगा उतना जितना कि आपका रेंट है। लेट सपोज अगर रेंट मेरा 5,000 होता तो मैं यहाँ रिलीफ 5,000 लेस कराता, क्योंकि रिलीफ आपका आंसर नेगेटिव में नहीं ला के सकती। समझ आई बात बेटा? बात समझ आई सुभाष? बात समझ आ गई जी? सुभाष, अनुषा, सुभाष, सुभाष आप बताएं, आपके लिए रिपीट किया। अच्छा बेटा, आप इस चैप्टर को ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, उसकी वजह यह है कि ओवरलोडेड हो जाओगे आप लोग। इस चैप्टर की आखिर दो चीजें रह गई हैं, एक रह गई है फाइनेंस कॉस्ट, जिसका कॉन्सेप्ट आप वीडियो में देख लेना, बट नेक्स्ट क्लास में मैं रिपीट करा दूंगा, ठीक है? और एक प्रीमियम, प्रीमियम का कॉन्सेप्ट रह गया, ठीक है? ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट में दो तरीके से लेस होती हैं, एक अनफर्निश्ड की और एक फर्निश्ड की, अलग तरीके से होती है, ठीक है? दोनों की अलग अलग तरीके से होती है, बस ये आपको हिंट दे रहा हूं, जब आप वीडियो लेक्चर देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। प्रीमियम मैं आपको समझा दूंगा, बट वीडियो में भी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? कोई सवाल फिलहाल, क्योंकि पूरा चैप्टर समझा दूंगा तो ओवरलोडेड हो जाएगा, कोई सवाल फिलहाल? कोई भी सवाल है तो बात करें। आज का आपका होमवर्क है फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग की कंडीशंस याद करनी है, लर्न बाय हर्ट FHL conditions, ठीक है बेटा? चले जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेटेसर। जो लॉस आएगा उसको किस तरह एडजस्ट करेंगे वो लॉसेस जब चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो तब समझाऊंगा। चलो लॉस को भी एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, लॉसेस, ठीक है? ये लिख लें नेक्स्ट क्लास में, ये चीजें इस चैप्टर की मुझे रिपीट करें, ठीक है? चले हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सैटरडे को 7 बजे। प्लानर मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, प्लीज यूज इट। सो दैट्स द एंड ऑफ द क्लास, साइनिंग ऑफ, एस्केप। आपको कोई सवाल हो तो यू कैन व्हाट्सएप मी डायरेक्टली। थैंक यू।